हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पांडा ट्रैवलर में। और फ्रेंड्स, मेरे पिछले वीडियो में मैंने मनीकरण साहब का पूरा वीडियो बनाया था और कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप कैसे पहुँचे। और अपने इस वीडियो में मैं मनीकरण साहब के बाहर वैली थोड़ा एंजॉय कर रही हूँ। और इसके साथ साथ अपने इस वीडियो में मैं जो कसोल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर लोगों के मन में होते हैं कि कहाँ रुकें, क्या मतलब सुविधा है आने जाने की, और मतलब कि कौन सी जगह घूमने की है, कितना खर्च आएगा, मतलब बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं उन सब का एक एक करके मैं आंसर देती चलूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कसोल का टेम्परेचर बहुत लोग सर्च करते हैं कि कसोल का टेम्परेचर कितना रहता है। इसके बारे में एक मेन क्वेश्चन ये है कि बेस्ट टाइम टू विजिट कसोल क्या है, मतलब सबसे अच्छा समय क्या है कसोल घूमने का। तो फ्रेंड्स, मार्च से जून तक का जो समय होता है कसोल का, वो सबसे अच्छा समय होता है घूमने के लिए। लेकिन हाँ, अगर बारिश बहुत स्टार्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा शुरू हो जाए, तो यहाँ लैंडस्लाइड के खतरे ज़्यादा हैं, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर है तो वो शुरू हो जाता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप बारिश जब ना हो रही हो, बारिश का जब सीजन ना हो, तब जाइए तो कसोल अच्छा है घूमने के लिए। ग्रीनरी है, आप देख ही रहे होंगे डायरेक्ट बोलने से क्या करना है। और फ्रेंड्स, ये कि कसोल में होटल्स का क्या रेट है, तो जो कसोल में जो होटल्स हैं वो जो मनाली के होटल से थोड़े से कास्टली हैं, क्योंकि ज़्यादा होटल्स यहाँ पर नहीं अवेलेबल हैं कसोल में। तो होटल्स की संख्या भी कम है और जो रेट है वो मोस्टली 1000 के एबो ही रहता है, 1000 से ही स्टार्ट होता है। तो ये है होटल के चार्ज। और मनाली से कसोल कितनी दूर है, ये क्वेरी होती है। तो मनाली से जो कसोल है वो होती है लगभग 85 किलोमीटर की दूरी है, और 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है पहुंचने में। और यहाँ तक आने के लिए कोई ट्रेन तो नहीं आती है, लेकिन हाँ, बस की सुविधा है, अच्छी HRTC की बस आपको कुल्लू से भी मिल जाएगी। और एक रूट है, अगर आप चंडीगढ़ से आ रहे हैं कसोल आना चाहते हैं, तो चंडीगढ़ हाईवे से आते हुए पार्वती वैली के जो रूट पे मुड़ जाना है, और तो आप कसोल पहुंच सकते हैं। मनाली ना जा करके आप कसोल से भुंतर आ जाइए, फिर भुंतर से कसोल आ सकते हैं एक टर्न लेके। इस तरह बहुत लोग अपनी प्राइवेट कार लेके भी आते हैं, ड्राइवर्स लेके भी आते हैं। तो यहाँ पहुँचने के लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है कार, कैब और बस, HRTC की बस। अगर आप मनाली रुके हुए हैं, कुल्लू रुके हुए हैं, तो HRTC की बस आपको कसोल वैली मनीकरण छोड़ देगी। अब बात करते हैं कसोल में फेमस क्या है। तो फ्रेंड्स, कसोल में जो फेमस प्लेसेस हैं वो हैं यहाँ का मनीकरण, जो कि कसोल जो मार्केट है उससे 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है मनीकरण साहब, जहाँ पर हम लोग अभी हैं। और उसके अलावा यहाँ से अगर आप यहाँ का टूर बनाते हैं रुकने का, तो यहाँ से मढ़ी जो है वो 32 किलोमीटर की दूरी पे है, और नग्गर एक विलेज है जो कि 58.2 किलोमीटर की दूरी पर है। और एक जगह है, एक डैम है, पंडोह डैम एंड लेक है, जो कि 70 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, ऐसा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर घूमने के लिए और कौन सी जगह है, यहाँ आप रहते हैं तो वो अपने आप में घूमने की जगह है। तो फ्रेंड्स, अभी बात कर लेते हैं यहाँ क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ। ये डॉगी जो है आते जाते हर कार को टक्कर मारने का प्रयास करता है, और हम लोग को ऐसा प्रिडिक्ट हम लोग कर रहे हैं कि इस डॉगी की फैमिली में किसी को इंजरी हुई है, तभी वो ऐसा कर रहा है बार बार। ये देखिए, हम लोग किसी को देख रहे थे डॉगी को, और वो सबको टक्कर देता है जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं पीछे से। तो ध्यान रखें कि आप जहाँ भी जाते हैं थोड़ा किसी एनिमल्स को नुकसान ना पहुँचाए आपकी गाड़ी से पहुँचे। और फ्रेंड्स, हम लोग वापस अब निकल चुके हैं मनाली के लिए, और हमने 4 बजे की बस ले ली है मनाली से, सॉरी यहाँ से कसोल से वहाँ मनाली जाने के लिए, क्योंकि टाइम लग जाता है, 3-4 घंटे का भी टाइम लगता है, 5 घंटे भी लग जाते हैं। तो
क्योंकि HRTC की बस है ना, अगर आप अपनी कैब से रहेंगे तो आप आराम से पहुंच जाएंगे, इतना टाइम नहीं लगेगा। वैली देखिए कितनी खूबसूरत है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं आपको। यहाँ पर क्रिस्टो की शूटिंग हुई थी, प्रियंका चोपड़ा और ऋतिक रोशन की मूवी क्रिस्टो की शूटिंग हुई थी। बहुत सारी शूटिंग कसोल वैली में होती है मूवी की। और फ्रेंड्स अगर यहाँ शॉपिंग की बात करें तो यहाँ हैंडमेड क्राफ्ट बहुत मिलता है, और चिलम बहुत मिलता है, और ये सब वुलन क्राफ्ट अच्छा मिलता है। वैली देख के खो जाने का मन करता है यहाँ पर। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पर लोग पूछते हैं कि कितना टूर पैकेज बहुत लोग पसंद करते हैं कसोल का, तो 3 दिन 4 रात इनफ है अगर आप कसोल घूमने आ रहे हैं तो। यहाँ पास में तोस वैली है, वहाँ लोग जाते हैं, वो भी अच्छी जगह है, लेकिन तोस तक पहुँचना थोड़ा कठिन है और कसोल तक पहुँचना आसान है। और फ्रेंड्स ये बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि मनाली बेटर है या कसोल, तो बेटर तो दोनों हैं। अगर आपको ईज़िली टूर करना है, मतलब कोई चैलेंज आपको नहीं चाहिए, और आप फैमिली के साथ हैं, छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं, तो आप, मेरा सजेशन रहेगा कि आप मनाली में रुकें, और क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छी सुविधा मिल जाएगी। मेडिसिन की बहुत सारी दुकानें हैं, और मतलब वो एक सिटी है जो टूरिस्ट के लिए ही बनाया गया है, और वहाँ हर तरह की सुविधा आपको मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं और थोड़ा सा एडवेंचर पसंद करते हैं तो आप कसोल रुकिए, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये मेरा सजेशन है। तो आप अपने हिसाब से अपना सेट कर लीजिए। और फ्रेंड्स जो मेन ये आता है कि कितना कॉस्ट आता है यहाँ पहुँचने में, मनाली कसोल के टूर में और पहुँचने में सब कुछ लेके कितना पैक, मतलब कितना आपका बजट आएगा। तो मैं पर पर्सन को बता रही हूँ जो बजट आ सकता है। अगर आप कसोल में रुकते हैं तो 10,000 से 15,000 का बजट आप रख के चलिए। इतने में आप पूरा कसोल वैली 3 दिन और 4 रात में बहुत अच्छे से घूम लेंगे। देखिए एक रेस्टोरेंट ये भी है, शेरे पंजाब खाना खजाना, और इस तरीके के छोटे छोटे आपको मिल जाएंगे ढाबा, और जो एडवेंचर करने का मौका यहाँ आपको गजब का मिलेगा। इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है कि यहाँ पर नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं लगेगा आपको, अगर आप नेचर लविंग हैं। और आप हाँ, और एक इसकी ख़ास बात ये है, यहाँ ट्रिक स्टार्ट होता है खीर गंगा का, जो पार्वती वैली तक ले जाता है मेन, तो खीर गंगा का ट्रेक यहाँ से लोग करते हैं और तोस का भी ट्रेक करते हैं। तो छोटे छोटे ट्रेक हैं यहाँ पर, और अगर आप यंग हैं तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए आप जब यहाँ रुकेंगे तो मार्केट में आपको बहुत सारे मार्केट में शॉप मिल जाएगी, दुकानें मिल जाएंगी जो आपको ट्रेक कराएंगी, या ऑनलाइन भी आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। और आपको अगर कोई हेल्प चाहिए और जानकारी चाहिए कसोल वैली के बारे में तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज आप छोड़ दीजिए, उसका मैं आंसर देती हूँ, और ज़रूर देती हूँ, डेफिनेटली देती हूँ। और फ्रेंड्स इसके अलावा मेरी जो वेबसाइट है pandatraveler.in, वहाँ पर जाके आप और भी टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जान सकते हैं, और वहाँ पर आप टूर गाइड की तरह आपको वहाँ मिल जाएगा बहुत कुछ, बहुत लोग कमेंट भी रहते हैं। और ज़्यादातर मैं होटल्स का रिव्यू करती हूँ जिस टूरिस्ट प्लेस का, और कैसे पहुँचें, जो मेन क्वेरी रहता है किसी जगह कैसे पहुँचें, और जो है वहाँ पर खाने की क्या सुविधा होगी, और बाकी सब कुछ मैं बताती हूँ वहाँ। तो आप देख सकते हैं, ज़रूर जाइए pandatraveler.in में, और उसमें डिस्काउंट भी मिलते रहते हैं बीच बीच में, तो आप ये उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और फ्रेंड्स मुझे लगता है आपको इंजॉय करना चाहिए वैली का, और मुझे थोड़ा सा चुप हो जाना चाहिए, और इन्जॉय कीजिए इस म्यूजिक के साथ इस वैली का। थैंक यू, और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।